हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप सभी बच्चे बीबीएमक्यू में, वीवीयू में, रांची यूनिवर्सिटी में या फिर एसकेएमयू में या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप झारखंड के देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप करंट सेशन देखिए यहाँ से 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22, 20, 23, 21, 24 इन सभी सेशन में देखिए अगर आप लोग पढ़ते हैं, बेसिकली यहाँ से ही कह सकते हैं ग्रेजुएशन का जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हुआ था। तो क्या आप सही बच्चों को देखिए जो डिग्री वो रद्द हो जाएगा या फिर आप सही बच्चों को देखिए फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इस पे देखिए मैंने प्रॉपर सेशन किया हुआ है किनको परीक्षा देना है किनको नहीं, लेकिन बहुत से बच्चों को मैंने देखिए अभी भी डाउट है, वो डाउट मैं आपको यहाँ कंप्लीट क्लियर कर दूंगा कि आपका डिग्री रद्द होगा, क्या आपको जॉब नहीं मिलेगा, किनको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको चैनल में मिलता रहे। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप, एक फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया गया, जहां पर जुड़ जाइए, वो भी अपडेट आएगा तो वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए सेशन का शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी झारखंड में, देखिए मोस्टली यूनिवर्सिटी कवर हो रही है बीबीएमक्यू, वीवीयू, रांची, वीवीयू, एसकेएमयू, ये मोस्टली कितना हमारे पास में 5 यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया है। एक नीलांबर में मैं छोड़ दिया क्योंकि यहां लिखने का उतना एडजस्टमेंट में छोड़ दिया, ठीक है। 15-18 सेशन के जो बच्चे पढ़ते हैं 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22 सेशन, 20, 23, 21, 24 क्या इनका डिग्री रद्द होगा या बेसिकली इनका डिग्री क्या रद्द होगा, फिर से परीक्षा देना होगा, क्यों ये सारा सारा मामला उठा। इसका मामला उठने के पीछे कारण था जेनरिक पेपर, ये जो लफड़ा आया सबसे पहले कह सकते हैं तो ये जेनरिक पेपर के कारण आया। अब जेनरिक पेपर वाला मुद्दा उठाया जिसने, तो जेनरिक पेपर वाला मुद्दा देखिए वैसे उठा, झारखंड में एक वैकेंसी आई थी झारखंड लैब असिस्टेंट, जहां मुझे याद है, ठीक है, झारखंड लैब असिस्टेंट था और एक केवीएस का एग्जामिनेशन था। वहां पर क्या होता, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, आपने अगर कोई भी ऑनर्स पेपर लिया है जैसे एग्जाम्पल लेता मैं मैथ्स ऑनर्स का, तो मेरा एक जेनरिक पेपर था जो फिजिक्स था, लेकिन आपको कम से कम देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए थे, वहां पर आप एक फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, तो दो आपको एक साल में क्या करना, एक आपका जेनरिक पेपर, दूसरे साल में आपको दूसरा जेनरिक पेपर, यानी दो सेमेस्टर आपके सेम ही जेनरिक पेपर रहेंगे, फिर अगले दो सेमेस्टर रहेंगे वो आपके दूसरे कोई जेनरिक पेपर रख सकते हैं। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिपेंड होता है किस प्रकार से देखिए झारखंड वैकेंसी आता है उस आधार पर किया जाता है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर आपको इसकी ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स बताइए, मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट बता दूंगा कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए ये मामला कहां से आया, जेनरिक पेपर में। जेनरिक पेपर का क्या हुआ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, और हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि हम लोग जब बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम में जो भी हम लोग के साथ पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, मैं भी पिछले 16-19 सेशन का हूं, तो मेरे साथ भी हुआ क्या कि हम लोगों के साथ एक ही जेनरिक पेपर रखा गया, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 हम लोग एक ही सेमेस्टर पढ़ते हैं, मतलब एक ही जेनरिक पेपर लेके हम लोग पास कर लिया। अब हुआ क्या, बच्चों को देखिए जब उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म आया, एक तो जितने दिन बाद फॉर्म आता उसमें लिखा हुआ था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन हमारी इन यूनिवर्सिटी द्वारा गलती क्या किया कि इन्होंने डिग्री जेनरिक पेपर सिर्फ हम एक ही जेनरिक पेपर पढ़ने दिया, जिस वजह से वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो ये मुद्दा जो है बेसिकली आया वहां पर, वहां से उठकर इसीलिए यूनिवर्सिटी वालों को अब जगाया गया कि भैया आपने गलती की, अब जागो, आपकी गलती हमारे कितने हजारों बच्चों लाखों बच्चों को भुगतना पड़ेगा वो आप उनको नहीं जा रहा है। आप देखिए बहुत हो सकता है आप मोस्टली इस यूनिवर्सिटी में, ये दो बार लिखा गया, सॉरी मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो उनकी गलती हमें बेसिकली उनका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका दिक्कत होने वाला है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है कोई बाहर चला गया है, किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या आपका डिग्री पे पहले बात इफेक्टेड होगा। तो याद रखिएगा इसमें आपका डिग्री नहीं होगा रद्द, ये बात जान लीजिए कि आपका कोई डिग्री रद्द नहीं कर सकता, आपने गलती किया है। गलती क्या, पहले बात तो मैंने इस पे प्रॉपर सेशन किया, वहां बताया था कि हम लोग का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें टोटल हमें 160 क्रेडिट पढ़ने पड़ते हैं, अगर हम लोग एक जेनरिक पेपर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे ना तो 168 क्रेडिट का या फिर कह सकते हैं 164 क्रेडिट का लगभग हो जाएगा, लेकिन हम लोग 160 क्रेडिट से ज्यादा पढ़ नहीं सकते, ये तो पहला बात यूनिवर्सिटी वाला गलत करेगा। जब हमें सबमिट कॉम्बिनेशन करना है तो पहले करवा लेते हैं यूनिवर्सिटी वाला, देखिए क्या दिक्कत है, हमारा गलती हम लोग का नहीं, गलती हमारे पूरे झारखंड राज्य का, नियम किसी को मालूम नहीं होता और लागू कर दिया जाता है। कोई जैसे टीचर्स भी है उनको अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी को मालूम नहीं है, अभी हाल ही में हुआ कि बच्चों के साथ बच्चों का आईएससी पेपर चेंज होने का, लेकिन बच्चों को खबर ही नहीं है, किसी बच्चे को जो बच्चा मेरा प्रॉपर सेशन है तो उनको तो मैंने बता दिया कि भाई आप लोगों का आईएससी पेपर चेंज होगा, एक आईएससी पेपर आपको कॉलेज रखेगा, कॉलेज से कॉन्टेक्ट पता होगा ना क्या होगा, एग्जाम का एक महीना पहले आपको पता चलेगा कि आपका आईएससी पेपर चेंज हो गया, बच्चा एक महीना क्या पढ़ेगा, और आईएससी पेपर मतलब आपका जेनरिक पेपर सोच लीजिए। तो ये यूनिवर्सिटी का महान हमारा कारण होता है कि नॉलेज ही नहीं किसी को, ना हम कहते हैं चांसलर साहब को उनको भी पता नहीं चलेगा, टीचर पूछे पढ़ेंगे उनको भी नहीं पता, तो करेगा क्या, इसलिए नॉलेज ऊपर से किसी को नहीं आता इसलिए दिक्कत आता है। तो जेनरिक पेपर यही मुद्दा है, इसमें पहले जान लीजिए कि आपका डिग्री कोई नहीं रद्द हो सकता, डिग्री कोई नहीं रद्द होगा,
यूनाची यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन देखिए मेंशन कर दिया कि जिसको देना है इंटरेस्टेड है वही देगा, बाकी किसी को नहीं देना। जैसे ये बीबीएमक्यू के बीबीएमक्यू ने कुछ नहीं बोला, अखबारों ने लिख दिया वहां पर अनिवार्य, बच्चे घबरा गए ठीक है कि अनिवार्य है भाई सबको देना। अरे भाई किसी को नहीं देना है, कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है आप दे सकते हैं, नहीं इच्छा मत दीजिए, इससे आपका डिग्री नहीं होगा, रद्द करे जान दीजिए ठीक है। आपको देखिए बेसिकली लैब असिस्टेंट हो गया, देखिए बेसिकली जो टीचिंग लाइन से एग्जाम्स होते हैं ना वहां पर क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरत पड़ता है, इसीलिए उन बच्चों को जरूरत है जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे जो एग्जाम्शन दीजिएगा, लेकिन बोलिएगा बाकी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, उनको देखिए जरूरत नहीं पड़ेगा ये बात जान लीजिए। जिनका ज्वाइनिंग हो गया उनको भी कोई इफेक्टेड नहीं होगा, जिनका ज्वाइनिंग हो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ देखिए कुछ ही जगह में होता है, बाकी हर जगह पे नहीं होता। तो आपकी इच्छा आप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए वो आपकी मर्जी। तो परीक्षा देना जरूरी है क्या, इसका जवाब है नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे दे देना चाहिए, सभी लोग दे रहे, तो आपकी इच्छा है, मैं भी मन नहीं करूंगा, अगर मुझे देने इच्छा करेगा तो मैं भी दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है इसलिए मैं नहीं देने वाला। बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियरली बता दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बचा कर रहा। बाकी आपकी जो राय आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एग्जामिनेशन नहीं होगा, किसी को देना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं आपका डिग्री होगा रद्द, कहां से ये मामला है उठ के और क्यों नहीं होता इस पे मैंने प्रोफेसर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं या फिर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, वहां पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा 17 मिनट का वीडियो मैंने बता के बताया कि क्यों नहीं देना चाहिए बच्चों की एग्जामिनेशन, क्या यूनिवर्सिटी वाला गलती कर, यूनिवर्सिटी गलती तक बताया कि उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो ये प्रॉपर सेशन में आशा करूंगा आपसे बच्चों जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।